कोटद्वार के भावर इलाके के शिवराजपुर गांव से सटे 100 साल पुराने तालाब में वन्य जीवों के लिए पानी भरने को लेकर ग्रामीणों का आपसी तनाव अब हाथापाई में तब्दील हो चुका है। मौके पर पहुंची पुलिस ने बीच बचाव करने के साथ तालाब में पानी भरने पर अपनी सहमति जताई। ग्रामीणों ने कोटद्वार तहसील में पहुंचकर गांव के ही दो दबंगों पर गांव की सीमा से सटे तालाब में पानी नहीं भरने का आरोप लगाया। ये दबंग तालाब की भूमि को भी अपनी भूमि बताकर पानी भरने नहीं देते, जिससे पशुओं और जंगली जानवरों की प्यास बुझाने का संकट भी देखने को मिलता है। ग्रामीणों के मुताबिक जिस जमीन पर तालाब है उस पर भूमाफियाओं की नजर है, जबकि जमीन राजस्व अभिलेखों में भी दर्ज है। यहाँ पर जानवर, जंगली जानवर भी आते हैं पानी पीने के लिए, क्योंकि पुराना जोड़ा है, और पालतू जानवर भी हमारे जो है 5-6 गांव के जानवर यही पानी पीते हैं, क्योंकि नदी के किनारे पर, जंगल के किनारे पर बसा हुआ जोड़ा है। ठीक है, आज ऑब्जेक्शन ये है कि ऑपरेटर यदि पानी डाल रहा है इसमें नलकूप से, तो उसको 2 बार 11 तारीख और 20 तारीख को जान से मारने की धमकी दी गई है। तो 20 तारीख को प्रधान के सामने लोगों ने छुड़ाया, तो उनको भी मारने की धमकी दी गई। सारा जानवर उसमें जंगल का आके पीता, गाँव का जानवर पीता है, और उसमें पानी नहीं है। अब गाँव वालों ने जब उसमें पानी भरने की कोशिश की, क्योंकि ये ड्यूटी तो इरिगेशन की है, इरिगेशन का कहानी अलाटमेंट है, ना तो वहाँ पास ही आता है, ना वहाँ जिलेदार आता है, ना उनको कोई मतलब, उनको सिर्फ बजट फूकने से मतलब। जब ग्राम सभा वालों ने कोशिश की तो वहाँ पे कुछ जो है खनन माफिया और भू माफिया जो आके उनको पानी नहीं भरने दे रहे, और उन्होंने 1-2 लोगों से जो है पंच है वहाँ का जग्गू कप्याल, उससे भी, और एक वहाँ पे पीताम्बर दत्त है जो उसको चला रहा, उनको उनके साथ मारपीट करने की कोशिश की। जिसमें पशुओं के पानी पीने का था, उसमें कुछ लोगों के द्वारा विवाद किया गया था, उस विवाद को निस्तारण करने क्षेत्र पटवारी को मौके पर भेजा गया। क्षेत्र पटवारी के द्वारा जौहर में पुनः पानी भरवाने की कार्रवाई कर दी है, उसमें पानी भर दिया गया है। अब उसमें कोई विवाद नहीं है, पशुओं के लिए उसमें पानी पर्याप्त रूप में उपलब्ध है।